हे गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं इंडियन नेवी के द्वारा एक नई वैकेंसी जो है वो जारी हो चुकी है। इसमें आपको जो पोस्ट मिलेगा ट्रेडमैन्स मेट की यहाँ पे पोस्ट जारी की गई है। आप लोग यदि इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10वीं के साथ ITI की अगर क्वालिफिकेशन है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सभी कैंडिडेट किस माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने की प्रोसीड क्या रहेगी, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कब से आप लोग ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स बात करेंगे। ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिलहाल अभी हमने ओपन करके रखा है यहाँ पे। इसमें आपको टोटल 1159 पोस्ट जारी की गई हैं। सो इस फॉर्म के सभी डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पे एक एक डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं ज्वाइन इंडियन नेवी ग्रुप सी के तहत यहाँ पे पोस्ट जारी की गई है। ट्रेडमैन मेट ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल की गई है। टोटल इसमें आपको 1159 पोस्ट जारी की गई हैं। यहाँ पे गाइस कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है मेंशन की गई हैं और यहाँ पे कमांडेड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ईस्टर्न नवल कमांडेड में आपको 303 पोस्ट मिलेगा जनरल कैंडिडेट के लिए। OBC के लिए 163 है, SC के लिए 116 है, ST के लिए 57 है और EWS कैटेगरी के लिए 70। टोटल आपको इसमें जो पोस्ट मिलेगा 710 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। यहाँ पे गाइस आपको कमांडेड मिल जाएगा, जिस भी कमांडेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे। कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट है मेंशन की गई है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यदि हम बात करें, ये फॉर्म आपकी अप्लाई होने की जो स्टार्टिंग आपको डेट मिलेगा 22 फरवरी 2021 से फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी 7 मार्च 2021 तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आवेदन फी जो यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, जनरल OBC के लिए 205 रुपीस है, अदर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं पेमेंट करना है। यहाँ पे गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी मांगी गई है, आपके पास 10th की क्वालिफिकेशन चाहिए। 10th की जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ आपके पास ITI की क्वालिफिकेशन चाहिए। चलिए गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी एज मांगी गई है, 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एज में छूट भी दी गई है। SC ST के लिए 5 साल की आपको एज में छूट मिल जाएगी। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की आपको एज में छूट मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करेंगे। एंड गाइस हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ज्यादातर इंडियन नेवी की जो वैकेंसी जारी की जाती है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए फॉर्म यहाँ पे जारी की गई है। एंड आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी ऑल ओवर इन इंडिया रहेगा। यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इंडिया में ये जॉब आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे गाइस आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीड कही गई है, आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन स्कीम जो रहेगा, इस यहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट मांगी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी सब्जेक्ट के आधार से आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। इसमें कितना कितना नंबर यहाँ पे रहेगा वो मेंशन की गई है टोटल यहाँ पे, और आप लोग ये आप एक सिलेबस है, आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस हम बात करेंगे फॉर्म को सबमिट करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना मेल ID और मोबाइल नंबर देना है। आपको अपना फोटोग्राफ देनी है, जो कि फोटोग्राफ बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, वो ब्लू कलर की आपकी यहाँ पे बैकग्राउंड मांगी गई है, और आपका सिग्नेचर चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें 10वीं 12वीं और ITI के सर्टिफिकेट आप देंगे। आपके डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी का यहाँ पे सर्टिफिकेट जरूर देंगे। ID प्रूफ में आप कोई भी ID प्रूफ देंगे। आपको अपना फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स देने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है। सो लिंक गाइस अभी एक्टिवेट नहीं है, अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉग इन करके फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे ही गाइस आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई पेज शो हो जाएगी। अगर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे गाइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नोटिफिकेशन का, एंड आपको नोटिफिकेशन भी हमने दिखा दिया है कि कैसा नोटिफिकेशन शो होगा। सो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। गाइस आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले गाइस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन
रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे गाइस रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का, यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यूज करके आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन चलिए यहाँ पे आपको फिर से दिखा देते हैं किस प्रकार की आपकी नोटिफिकेशन शो होगी। तो ये है गाइस आपकी नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेवी सिविलियन आपकी ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है, ये ग्रुप सी की पोस्ट जारी की गई है जिसमें आपको नॉन गैजेट की आपको यहाँ पे ट्रेडमैन की पोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। गाइस आप देख सकते हैं ये है आपकी नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स आपको एक एक करके मिल जाएंगी। ऑनलाइन इस फॉर्म को एप्लीकेशन को आपको फिलअप करना है तभी आपकी ये फॉर्म एक्सेप्ट की जाएगी। कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओपनिंग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 22 फरवरी से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन की 7 मार्च 2021 तक फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप लोग इस नोटिफिकेशन में गाइस सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, सो प्लीज एक बार इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। अप्लाई करने की जो डेट है वो आपको 22 फरवरी से इस फॉर्म को अप्लाई करने की लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। सो जो भी कैंडिडेट इच्छुक है वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर लेंगे। एंड गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, इस फॉर्म के जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है तो मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखा दूंगा कि कैसे आप लोग ये फॉर्म को करेंगे सबमिट। गाइस वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।